नमस्कार, भारत समाचार में आपका स्वागत। मैं आपके साथ लक्ष्मी उपाध्याय। देश में अब सियासत तिरंगे पर होने लगी है। जो तिरंगा हमें एक होकर रहने का संदेश देता है, उसी की यात्रा निकालकर बांटा जा रहा है। अगर तिरंगा यात्रा निकालना गुनाह है तो आजाद हिंदुस्तान में हमारा और आपका ये दुर्भाग्य है। 1950 में कानून बनाने वालों ने भी ये कभी नहीं सोचा होगा कि जिनके कंधे पर संविधान की विरासत रखने जा रहे हैं, वही कंधे आज सत्ता पाने के लिए कानून का जनाजा निकाल देंगे। कासगंज में 26 जनवरी को तिरंगा यात्रा निकालने के दौरान चंदन उपद्रवियों का शिकार हो गया, या फिर ये कहें कि देशद्रोहियों का शिकार हो गया, और अब उसकी रूह कथित बवालियों के निशाने पर आ गई है। चंदन शहीद हुआ, उसकी फिक्र, उसका मलाल पूरे देश को है, लेकिन जिस तरह उसकी मौत को रंग दिया जा रहा है, उस पर शर्म आती है। शर्म आती है उस खाकी पर, उस खादी पर, जिसके इशारे पर देश के अंदर भय का ऐसा माहौल खड़ा किया जा रहा है जिसका असर पीढ़ियों तक दिखाई देगा। कोई तिरंगा यात्रा के जरिए 2019 की मंजिल पाना चाहता है, तो कोई बखेड़ा खड़ा करके सुर्खियां बटोरना चाहता है। इन सब के बीच देश के तमाम मुद्दे खो गए। देश का बजट आने वाला है, उस पर चर्चा नहीं हो रही, बस चर्चा तिरंगा यात्रा की हो रही है। आज इसी विषय पर मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे और जानेंगे कि तिरंगा यात्रा के पीछे वाकई देशभक्ति का जुनून है या सियासत की नई बिसात बिछाई जा रही है। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। आपको बता दूं, नरेंद्र सिंह राणा जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, विभाष शुक्ला जी समाजवादी पार्टी से मेरे साथ जुड़े हैं, शैलेंद्र तिवारी जी कांग्रेस प्रवक्ता है, मानस श्रीवास्तव जी एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़े हैं। सभी का बहुत स्वागत, और थोड़ी ही देर में चर्चा करेंगे इसी विषय पर। आजाद हिंदुस्तान में रहते हैं, लेकिन तिरंगा फहराने के लिए हमें परमिशन लेनी होगी और खाकी को साथ लेकर चलना पड़ेगा। वाकई दुर्भाग्य है। सवाल ये उठ रहा है कि तिरंगा यात्रा के लिए भी परमिशन लेना आखिर क्यों जरूरी हो गया है आजाद हिंदुस्तान में। फिरोजाबाद में यात्रा को रोका गया, तिरंगा यात्रा जब निकली तो फिरोजाबाद में उसको रोका गया। चंदन के तन से रूह से भी अब मत खेलो, ये एक अपील कर रहे हैं आपसे। तिरंगा यात्रा देशभक्ति का जुनून या सियासत, ये सवाल बड़ा खड़ा हो रहा है। शहर शहर यात्रा निकाली जा रही है, देश के अंदर भय का माहौल आखिर कौन बना रहा है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। ये भी जानेंगे तिरंगे पर सियासत आखिर क्यों हो रही है। तिरंगा निकल रही है जहां पे वो शांतिपूर्ण है, और जहां जहां डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन चाह रही है वो रोक सकती है। हम लोगों ने पूरा अधिकार दे दिया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, वो जहाँ जो उचित समझे वो कर रही है। अदरवाइज जहाँ भी निकल रहा है वो शांतिपूर्ण तरीके से है, और उन्होंने अपना ज्ञापन दिया और उसके बाद वो चले गए। तो टीवी चैनल में पहला इंटरव्यू दिया है डीजीपी ओपी सिंह ने, आपने सुना कि कासगंज के मुद्दे पर उनका क्या कुछ कहना है। हालांकि वो मीडिया के सवालों से जरूर बचते नजर आ रहे हैं, क्योंकि माहौल ऐसा बन चुका है, तमाम ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं। डीजीपी साहब ने जब से ज्वाइन किया है, चाहे हम मेरठ की बात कर लें, एक महिला को 10 गोलियों से भून दिया जाता है। बांदा की तस्वीर आप देख रहे हैं, कासगंज में जो हुआ अब तक चल रहा है, और चाहे हम अमेठी की ही बात क्यों न कर लें, फिरोजाबाद में रैली रोकी जा रही है, शाहजहांपुर में रोकी जा रही है, तांडव हो रहा है, उपद्रवी लगातार उपद्रव कर रहे हैं, आखिर क्या वजह है इस सब के पीछे, यही जानने की कोशिश करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से आपका परिचय कराना चाहूंगी। नरेंद्र सिंह राणा जी बीजेपी से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, विभाष शुक्ला जी हैं समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता है, बहुत स्वागत आपका। शैलेंद्र तिवारी जी कांग्रेस प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मानस श्रीवास्तव जी एसोसिएट एडिटर है मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सर बहुत स्वागत आपका मेरे साथ। विभाष शुक्ला जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। जब बीजेपी से कोई भी सवाल किया जाता है तो साफ ठीकरा आपके ऊपर मर दिया जाता है कि इतनी बुरी विरासत दी गई है, सुधारने में वक्त लगेगा। क्या कहा जाए, क्या वाकई दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है, ये शर्मिंदगी महसूस नहीं होती कि आजाद हिंदुस्तान में तिरंगे के लिए हमें परमिशन लेनी पड़ेगी, खाकी का सहारा लेना पड़ेगा, आखिर क्यों नौबत आ रही है। देखिए, सबसे पहली बात, जो कासगंज में जो बच्चा मारा गया है उसके लिए बहुत ही शोक है कि जब हम देश की आज़ादी का, देश के लिए खुशियों का माहौल बनाए थे, उस समय हमारा एक बच्चा सियासत की क्या कहते हैं परवान चढ़ गया। और मैं ये कहना चाहूँगी कि इस ये कासगंज का सबसे छोटे शब्दों में बीजेपी ने अपने 2019 की तैयारी काशगंज से शुरू कर दी है। अब इसी तरीके के बवाल पूरे देश में आपको ऐसे ही दिखेंगे, और इसमें अपनी राजनीतिक रोटियां ये सेकेंगे पूरी तरीके से। शैलेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका।
मैं जानना चाहूंगी आपसे कि वाकई ये तिरंगा यात्रा देश की भक्ति का जुनून नजर आ रहा है या इसके पीछे कोई अन्य वजह आप देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि अभी आपने एक शब्द कहा कि क्या तिरंगा की परमिशन लेनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि इस शब्द को अगर ऐसे कहा जाए कि तिरंगा की परमिशन की बात नहीं है, बात हुजूम निकालने की परमिशन की है। तिरंगा तो कोई भी लेके चल सकता है, कहीं भी लेके चल सकता है। कोई लेके नहीं चल पाया ना सर, चंदन के हाथ में तिरंगा था, कोई कैसे लेके चल सकता है? देखिए, आप बात को इस दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं। स्थिति यह है कि आज की तारीख में हम लोग जिम्मेदारी के साथ अगर समाज में कोई बात रखेंगे तो हमें लगता है कि समाज को एक अच्छा संदेश जाएगा, और जो समाज में इस तरह की विघटनकारी ताकतें बढ़ रही हैं उनको जो है बढ़ावा नहीं मिलेगा। तो जो आपने सवाल किया, मैं उस पर आपको बता रहा हूँ कि तिरंगा ले जाने पे कोई किसी को आपत्ति भी नहीं है, और ना मुझे लगता है होती है। यदि अगर ऐसा है तो उसको कानून में जो सजा है वो सजा दी जाए। कासगंज की तस्वीरों को देखकर आप क्या कह रहे हैं, आप कहना क्या चाहते हैं, स्पष्ट करिए उस बात को। क्या तिरंगे की वजह से उस पर हमला नहीं हुआ, कोई अन्य वजह थी, उसको आप साफ करिए जी, बताइए। उसमें वजह तिरंगा ही नहीं था, क्या था? और उसके अंदर और भी चीजें हैं जिसकी जांच होनी चाहिए। यहाँ पर कहने से उस बातों को कोई फायदा नहीं। लेकिन क्यों नहीं सर, लेकिन जनता आपको सुन रही है, लेकिन लोग आपको सुन रहे हैं, फायदा क्यों नहीं है? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ बहुत जिम्मेदारी के साथ। ये जिम्मेदारी, वहाँ दंगा क्यों भड़का और वहाँ ये स्थिति क्यों? मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि क्या नहीं लगता कि तिरंगे की वजह से उसकी जान गई? क्या आज नहीं लग रहा कि तिरंगे पर सियासत हो रही है? नहीं, तिरंगे की वजह से उसकी जान नहीं गई। मैं क्यों गई, आप उसको स्पष्ट करिए। तिरंगे की वजह से जान नहीं गई, वहाँ जान गई है उन लोगों की वजह से जो सियासत करना चाहते हैं। क्योंकि सांसद ने वहाँ जिस तरह का बयान दिया है, वो कहते हैं हमारे लोगों की मृत्यु हुई, इस तरह की बातें पहले से चल रही हैं। और जब ये जो लड़का जो गया है वहां पर, ये लड़का वहां से वापस आ चुका था, ये हुजूम वहां से वापस आ गया, ये दोबारा की लड़ाई है और दोबारा में ये गोली चली और ये हत्या हुई है। मुझे लगता है कि इसकी जिम्मेदारी जो है, शैलेंद्र जी, आप वाकई जिम्मेदार तरीके से आज बयान नहीं दे रहे। हमेशा मैं आपसे चर्चा करती हूँ, मुझे नहीं लगता कि आप मुद्दे से पलट के बात करेंगे, लेकिन आज आप ऐसा कर रहे हैं। एक सवाल जरूर पूछेंगे शैलेंद्र जी से कि धारा 144 का हवाला दे रहे हैं, आपको भी राजब्बर, आपके पार्टी के राजब्बर को और तमाम लोगों को जाने से रोक दिया गया, ठीक किया गया क्या? कासगंज नहीं जाने दिया गया आप लोगों को? मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो वो भी हुजूम था ना, इसलिए देखिए जो नहीं हुजूम नहीं है, क्या था? आप जानते हैं कि वो 5 लोगों का डेलीगेशन, अगर आप उसे हुजूम मानते हैं तो 4 लोगों हम मान लेते हैं, ये 25 लोगों की रैली थी सर। हाँ, तो रैली अगर आप देखिए, आपने एक सवाल किया क्या तिरंगा निकालने में जो है परमिशन की जरूरत है, तो मैं कह रहा हूँ कि तिरंगा निकालने में मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के संविधान में परमिशन की जरूरत नहीं है। लेकिन तिरंगा रैली या तिरंगा यात्रा या तिरंगा के नाम पर कोई भी हुजूम निकालने के लिए परमिशन की और साथ में जरूरत है। ठीक है, 100 लोग तिरंगा लेके निकल रहे हैं तो कौन सी दिक्कत है? नहीं, परमिशन की व्यवस्था है। ये सवाल का जवाब मैं देना चाहूंगी। जो सरकारें एक पिक्चर नहीं चला पा रही हैं तिरंगा यात्रा में, ये लोगों को कटवा दे रहे हैं, मरवा दे रहे हैं। आप चंदन जिस तरीके से मारा गया, इनकी सरकार क्या कर रही थी, बीजेपी क्या कर रही थी, कैसे मार दिया गया चंदन? मैं इनसे सवाल पूछा था, किस धरोहर से ये, किस मतलब से आके यहाँ पे ये जवाब दे रहे हैं, ये किससे पूछना चाहते? सरकार इनकी, सत्ता इनका, कानून इनकी, पुलिस इनकी, क्यों मारा गया चंदन? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्यों हम पुलिस को क्यों आज ये जरूरत पड़ रही है कि तिरंगा के लिए आप खुद से ऑर्डर लेना पड़ा, ये आप बताइए, ये हम नहीं बताएंगे, ये आप बताएंगे, बीजेपी के लोग बताएंगे, राजनीतिक रोटियां आप सेक रहे हैं। अब बताइए कि आपके शासनकाल में ये क्या हो रहा है कि तिरंगा भी ले जाने में रोक लगाई जा रही है और चंदन कैसे मारा गया तिरंगा यात्रा में, आप ये बताइए हमें कैसे मारा गया, कौन सा पुलिस प्रशासन था आपका और कैसे मुख्यमंत्री बैठे हैं, ये बताएंगे आप? बिल्कुल, मानस श्रीवास्तव जी मेरे साथ जुड़े हैं, एसोसिएट एडिटर हैं। मानस जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, पत्रकारिता में इतना लंबा अनुभव रहा है आपका, कभी आपने ऐसी तस्वीर शायद देखी ही नहीं होगी कि तिरंगे के नाम पर सियासत हो, लेकिन अब जो हम माहौल देख रहे हैं उसको देखकर आपको क्या लगता है, क्या वाकई ये राष्ट्रभक्ति का जुनून है या 2019 की तैयारी? मैं साफ शब्दों में जानना चाहूंगी आपसे। देखिए, 2019 की तैयारी तो जो पॉलिटिकल लोग हैं उसको समझ रहे हैं, हम करें तैयारी किसी की भी 2019 की हो या उसके बाद की तैयारी और कोई भी चुनाव होना हो, सवाल इस बात का खड़ा होता है कि क्या इस देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी बची है या नहीं बची है। और तिरंगा जिसके लिए हमारे देश के लोगों ने खून बहाया और हमारी 3 पीढ़ियों पहले तक अगर बात की जाए तो
लोग अपनी जानें देते रहे और खुशी से फांसी पे लटकते रहे, उसी जिस तिरंगे की शान के लिए लोगों ने अपना खून बहाया, जिस तिरंगे की शान के लिए सरहद पर सीमा पर तैनात जवान आज भी गोली खाते हैं, कोई भी व्यक्ति होकर वो तिरंगा फहरा रहा है तो आपका विरोध आप नहीं कर सकते, और विरोध की तो बात अलग है, आप उसकी हत्या नहीं कर सकते। लेकिन उससे भी ज़्यादा दुखद पहलू इस बात का है कि उस हत्या के बाद कहीं से जो निंदा के शब्द हैं वो ज़रा कम सुनने में आ रहे हैं, सियासत उस पर तेज़ हो गई है। VHP की अपनी तिरंगा यात्रा निकल रही है, वो अलग अपना उनका हुजूम है, वो कल उन लोगों ने एक बैठक भी की शाम को देर रात दिल्ली में, और उसके बाद ये ऐलान कर दिया। समाजवादी पार्टी या कांग्रेस जैसे दलों का कि अपने तर्क हैं कि 2019 की तैयारी हो रही है। हम मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि चुनाव से इसको ना जोड़ा जाए, ये वजह कोई भी हो सकती है, लेकिन क्या किसी भी वजह के लिए क्या किसी की हत्या कर दी जानी चाहिए? कुछ भी और हत्या कर जाने के हत्या कर देने के बाद उसको जस्टिफाई करना, ये उससे ज्यादा खतरनाक है। दरअसल हमारे देश का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो इस तरीके का बन चुका है कि मुद्दे विहीन लोग हैं, कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों के आर्थिक नीतियां में दोनों में कोई फर्क नहीं है। दोनों ही की जो एक सोच है उदारीकरण की वो एक तरीके की है, आर्थिक नीतियां एक तरीके की है। मुद्दा जब बसता नहीं है तो इस तरह की बातें की जाती हैं। अब ये एक आरोप लगा दिया, जैसे शैलेंद्र जी ने अभी कहा कि साहब जो है वो तिरंगा के नाम पर आप हुजूम नहीं निकाल सकते, तो साहब ये तो आप भी करते, लोकतंत्र में आपको अधिकार है, धारा 144 लगी रहती है, आपके लोग भी तो निकलते आंदोलन करते हैं कि नहीं करते हैं, और जब लाठियां पड़ती तो आप क्यों आप कहते हैं कि ये लोकतंत्र की हत्या की जा रही है? तो ये बहुत सारे सवाल है, इसको मुझे लगता है सियासी चश्मे से ना देख करके और इसको इंसानियत के तकाजे में देखा जाना चाहिए, क्योंकि किसी का बेटा मरा है, किसी का बच्चा मरा है, और उससे भी बड़ी बात है कि वो तिरंगे उसके हाथ में था, तिरंगा जिसके हाथ में है उसको उसकी हत्या कर दे रहा है, और किस तरीके की मानसिकता ये देश में पनप रही है, ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है। और उससे भी ज्यादा खतरनाक ये बात है कि लोग उसको अगर जायज ठहराए अपने कुतर्कों से तो ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है। इसका परिणाम आज भले ही सियासी लोग फायदा उठा, लेकिन कल आने वाली पीढ़ी इसका परिणाम भुगतेगी। बिल्कुल देखिए महाराज जी, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही है। मुझे लगता नहीं कि कोई इस पर सियासत किसी दल के लोग कर रहे हैं, बात सियासत की नहीं है, बात यह है कि पंच गांव के ग्रामसभा के पंच से प्रधान से शुरुआत करिए और प्रधानमंत्री तक भारतीय जनता पार्टी का है, यानी भारत सरकार में जो चला रहे हैं उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है, उनसे सवाल नहीं बनता है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे हो गया? आप इस चीज को अगर हम इसको सियासी चश्मे से देखते तो हम आपसे दूसरी बात कहते। हम एक बात कह रहे हैं कि चंदन मार दिया गया, किसने मारा, अभी तक अरेस्टिंग हुई, कौन जिम्मेदार है, कुछ पता लगा जिम्मेदार व्यक्ति के साथ क्या कार्रवाई हुई? नहीं है, देखिए जो सवाल है, सरकार इस पे उल्टे सीधे अनर्गल बयान दे करके अपने आप को जो है सेफ ले जा रही है। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, ये उससे भी ज्यादा अफसोसजनक बात है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अभी तक कोई बयान नहीं आया। आप उठा के पिछले 5 दिन के अखबार और साथ मीडिया रिपोर्ट्स देख लीजिए, ये देखिए सवालों के घेरे में आज बीजेपी आप पे कोई सवाल नहीं खड़े कर रहा है। सवाल तो इसलिए खड़े हो किए जा रहे हैं कि आप किसी भी मामले को डाइवर्ट मत करिए, उसको ये मत कहिए कि ये 2019 की तैयारी चल रही है। आप इस बात को कंडम करिए कि एक युवक जिसके हाथ में तिरंगा था उसकी हत्या कर दी गई, जो जिन लोगों ने हत्या की वो देशद्रोही हैं। बिल्कुल इस बात को आप मान लीजिए, हम देशद्रोही कोई हो, किसी जाति, किसी संप्रदाय, किसी धर्म का हो, हम उसके खिलाफ हैं। लेकिन सवालों के घेरे में बीजेपी नरेंद्र जी मेरे साथ जुड़े हैं। नरेंद्र जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही है, बहुत स्वागत आपका भारत समाचार पर, आपने समय दिया, बहुत शुक्रिया आपको। क्या लगता है आपको कि जिस हिंदुस्तान में हम रहते हैं, आजाद हिंदुस्तान में रहते हैं, क्या उसमें अब तिरंगा फहराने के लिए परमिशन और उसके बाद तिरंगे पर सियासत, क्या और कोई मुद्दा नहीं है? नहीं, देखिए जिस तरह से इसका राजनीतिकरण अन्य विपक्षी दल करने पे अब आतुर हो गए हैं, उससे ये स्थिति, जो जिसने अपराध किया उसने क्या कर रहे हैं वहां का प्रशासन यात्रा को लेकर, मैं बता रहा हूँ, प्रशासन मुख्य अपराधी अब तक नहीं पकड़ा गया, प्रशासन में जो फेरबदल था वो किया गया, और क्या फेरबदल से क्या होता है, ये पनिशमेंट मानेंगे ऐसी का, इसमें कहीं घटना हो जाए फेरबदल का, क्या आप ट्रांसफर को पनिशमेंट कहेंगे? देखिए क्या पनिशमेंट के रूप में देख रहे हैं आप इसे? नहीं नहीं, मैं तो नहीं मानती। नहीं नहीं, आप मानती नहीं है, पूरा प्रशासनिक अमला आपका कास्टन का फेलोर साबित हो रहा है, आप कह रहे हैं कि पनिशमेंट दिया गया, फेलोर नहीं हुआ है, प्रशासन ने पूरी तरह से स्थिति को नियंत्रण में लिया, 4 दिन तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं करेंगे, 4 दिन भी कहेंगे, ऐसा जो दंगा है जिसके बाद वहां पर स्थिति को तुरंत नियंत्रण में किया गया, जिस कारण से ये हुआ उस कारण की पड़ताल में यदि वो प्रशासनिक चूक है जैसा कि प्रथम दृष्टा ये माना गया, तो वहां के कप्तान को बदल के नया कप्तान
एसआईटी की जांच, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, नहीं ये तरीका होता। अच्छा। अब उसके बाद सस्पेंड भी होंगे और जरूरी होगा तो जेल भी जाएंगे, क्योंकि एक शख्स की मौत हो गई लापरवाही के चलते। नहीं, ये कोतवाली से महज 500 मीटर की दूरी पर ये पूरी घटना हो जाती है और आप कह रहे हैं कि प्रशासनिक अमला वहाँ का बहुत ज्यादा बहुत अच्छा है। नहीं, जिस प्रकार से बाद में स्थिति नियंत्रण में आई है ये उसी ने नियंत्रण में की, हमने आपने नहीं की, ये प्रशासन ने ही किया। तीन जिलों की फोर्स वहाँ मौजूद, बावजूद उसके तो फोर्स तो लगाई ही जाती, फोर्स को लगाना ये आम बात है, इनके शासन काल में फोर्स तो लगाई जाएगी। कुछ नहीं हुआ 24 घंटे में, मान लेती हूँ कि थोड़े बहुत हालात सामान्य हो रहे हैं, लेकिन तीन दिन तक हालात वहाँ ये रहे हैं कि आगजनी की घटनाएं तीन जिले की फोर्स के बाद भी सामने आई, आखिर क्यों? देखिए, ये कहना जो है कहीं पर किसी की हत्या हो जाए और वो भी तिरंगा जो लड़का 26 जनवरी को, तो लखनऊ में बहुत लोग फहराते हैं, पूरे देश में लोग लेके जाते हैं, लेकिन किसी को ये उम्मीद नहीं रहती कि कोई उनकी जान ले लेगा या कोई इस प्रकार का हमला करेगा। और जब हो गई ये घटना तो वहां पर सबसे पहला काम होता है पुलिस का, देखिए लॉ एंड ऑर्डर है कि वहां पर जो स्थिति है वो नियंत्रण में रहे, और यदि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई न की गई होती तो जैसा मुजफ्फरनगर दंगे का हाल हुआ क्या था, कार्रवाई आप जानती हैं मुजफ्फरनगर दंगे के अंदर अभी भी भूल नहीं रहे हैं आप, अभी अपनी तिरंगा यात्रा में आप जिस प्रकार से आजम खान ने बात को पलटने की कोशिश मत करिए, आजम खान ने को छुड़वाया जिस तरीके से चंदन को 26 जनवरी के दिन मारा गया है उसको शहीद हुआ है, आपकी सरकार के नाते हुआ है, आपके गलत प्रशासन के नाते हुआ है, ये आप मानिए। और आपकी यही रणनीति रही है, इसी रणनीति से पूरा उत्तर प्रदेश जलेगा और एक दिन अभी 19 तक आते आते आप पूरे भारत को इसी तरीके से जलाएंगे, यही इसीलिए आप ऐसा बयान दे रहे हैं। आप फेल हैं, आप लखनऊ में फेल हैं, आप लखनऊ में डकैती करवाते हैं, आप काशगंज में फेल हैं, आप हर जगह फेल हैं, आप महिलाओं की सुरक्षा के लिए फेल हैं। मैं आपको कह रही हूँ पूरी तरीके से फेलवर सरकार है आपकी, पूरी तरीके से जवाब दीजिए। देखिए, मैं ये बिल्कुल कहता हूँ, अभी एक तो महिला है, दूसरा महिला मेरे है तो पास क्या बोलने का अधिकार नहीं है क्या? महिला ने आज ऊंचे स्वर में बोला तो समझ में नहीं आई क्या बात? महिला ने आज सच से बोल दिया, तेज से बोल दिया तो समझ में नहीं आई क्या? हर जगह सरकार फेल है, महिलाएं पुरुषों के बराबर है, संविधान कहता है, ये ध्यान रखिए। ये तरीका बहस करने का, नरेंद्र जी बहस, आपके पास कुछ आंकड़े हैं रखिए, आप कह रहे हैं लखनऊ में फेल है, मुजफ्फरनगर में फेल है, कासगंज बिल्कुल नहीं, कासगंज के अंदर स्थिति नियंत्रण में हुई। अरे नरेंद्र जी, मैं आपको आंकड़े देती हूँ, डीजीपी की ज्वाइन के दूसरे दिन मेरठ में 10 गोलियां एक बुजुर्ग महिला पर, मां और बेटे की हत्या। मैं बताती हूं आपको मेरठ के हाल, ये मैंने आपको बताया, अमेठी में कल क्या हुआ आप देख लीजिए, बांदा में आज क्या हो रहा है आप देख लीजिए, कासगंज में क्या हो रहा है आप देख लीजिए, और भी आप कहेंगे तो मैं आपको और बता दूंगी। आगरा में कल एक लड़की जो कि स्टूडियो से बाहर जा रही थी उसके साथ छेड़छाड़ हो रही है, आप महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, कौन से आपको आंकड़े चाहिए मैं देती हूँ आपको, बताइए आप मुझे। मैंने आपसे कहा आप आंकड़े बताइए मैं देती हूँ आपको। नहीं नहीं, मैं आपको भी बता रहा हूँ ना, अभी मैं आपको बताऊँ कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बनने के बाद, आप सुनिए तो आपकी समझ में आएगा। बोलिए, उत्तर प्रदेश में सबसे पहले जो समानांतर सरकार लखनऊ की जेल से चलती थी, यहाँ पर सारे बड़े माफिया बंद थे, उत्तर प्रदेश की सरकार ने सबसे पहले उन माफियाओं को सुदूर जनपदों में तिरंगे पर, सिर्फ तिरंगे। दूसरा, मेरी बात सुनिए, कैसे कार्रवाई की, बहुत सारे मुद्दे, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, जहाँ पर हत्याओं का दिन दहाड़े होता था, मैं बता रहा हूँ सरकार ने, और वहाँ पर लोगों को न केवल इनकाउंटर हुए हैं बल्कि जो लाखों के अपराधी थे जो जेल के अंदर गए, एक और आपने मेरे पे इनकाउंटर कराया, दूसरी ओर हत्या हो जाती है। नहीं, आप देखिए लड़ाई झगड़ा और ये हत्या होना ये अपनी जगह, लेकिन किसी को कठोर कार्रवाई के द्वारा यदि दंडित किया गया, क्यों रहने दीजिए आप, यहाँ तय करेंगे बिल्कुल नहीं है, देश की सुरक्षा प्रदेश की सुरक्षा में फेल। नरेंद्र जी, देखिए आप जवाब नहीं दे रहे, मेरा मानना, मेरा पूछना आपसे सिर्फ इतना है, आपने कह दिया कि पनिशमेंट कर दिया एसपी को, वहां से पनिशमेंट हर आदमी का किया, ये पनिशमेंट मानते हैं जो इसमें दोषी होगा, प्रशासन की जिम्मेदारी है कि सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य करे। जैसा आपने अभी बताया कि जो है एनकाउंटर हुए, मैं उसको जोड़ता हूँ, आपने 1500 अपराधियों को लगभग मार दिया, उसके बाद भी अपराध नहीं खत्म हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आप उन लोगों को ढूंढ के मार रहे हैं जो कहीं ना कहीं अपराध में खत्म हो चुका है, आप अपराधियों को मारे नहीं पाए अभी तक, पहली चीज। दूसरी चीज ये है, आप एक मिनट हमारी बात आ जाए, जिसके ऊपर इनाम होता है
इनाम वो अपराधी होता है। अभी दो लोग इनाम शासन प्रशासन जारी करता है, आपने उनको इनाम बना दिया, क्रिमिनल्स पे कार्रवाई हुई। सुनिए ये अभी इन्होंने पुलिस पर गोली चलाई, दो के खिलाफ कार्रवाई हुई, उनमें एक आदमी को आपने एक बार में इनामी बना दिया है, एक बार में। हम नहीं इनामी बनाते, इनामी प्रशासन बनाता है, सरकार बनाती है। आपका मतलब, और जब आप अपराध करते हैं तो अपराध में लगातार आपके आपके खिलाफ क्यों नहीं इनाम घोषित होता? नरेंद्र जी आप मुझे ये बताइए, आप मुझे ये बताइए, अभी विवाह जी ने कहा कि 2019 के लिए ये सब हो रहा है, क्या कहेंगे इस पर जवाब? क्या कौन 19 के लिए ये हो रहा है? इनको इनको 19 दिखाई दे रहा है ना, इनकी भैंस तो पानी में चली गई, ये खाली बाल्टी लिए बैठे हैं कि इनको कुछ नहीं मिला। अभी आप लोकसभा में लड़े, आप विधानसभा में लड़े, आप नगर निगम में लड़े, आप बताइए आपके पास है क्या? उत्तर प्रदेश के अंदर केवल आपकी कोई अपील नहीं है, कोई बात आप चैनल पर बोलने के लिए आपको समाजवादी पार्टी के बुलाया जाता है। लेकिन आप आइए सरकार से, विधानसभा में जब बहस होती है तो शैलेंद्री विधानसभा में क्यों भागती है? विपक्ष आए ना, पार्टी लड़े वहाँ, विधानसभा के अंदर मुद्दे उठाइए। जब हम बात करते हैं आपके भ्रष्टाचार पे, आपके जो है आतंकवाद पे, तो आप भाग खड़े होते हैं। नहीं, आप आइए ना विधानसभा में, आप लड़ रहे हैं, एक बात कर रहे हैं। आप एक बार बताइए, आप पार्टी के जिम्मेदार प्रवक्ता, आप मुझे बताइए, किलोमीटरों यात्रा निकली है तिरंगा की, वो लड़का लेकर निकला, उसके साथ में लोग थे, उस पर कहां पुलिस थी? तिरंगा यात्रा लेकर निकलने की जिम्मेदारी पुलिस कहां थी? मैं बता रहा हूं कि 26 जनवरी के दिन पूरे लखनऊ में, आप जानते हैं, लड़के निकलते हैं तिरंगा यात्रा लेके, पूरा लखनऊ के पूरे देश में निकलते हैं। हाँ। तो उस दिन कोई ये नहीं किसी को कि कोई अपराधी घात लगाए बैठा है, अलर्ट क्यों जारी या किया किसी गया था, पे सर? हमला अगर ये नहीं था तो अलर्ट क्यों जारी किया गया? और उसके अतिरिक्त 26 जनवरी 15 अगस्त के अतिरिक्त जब कोई जुलूस ले जाना हो तो उसकी संख्या, आप जुलूस का मार्ग, ये आपको प्रशासन की अनुमति लेनी पड़ती है। क्यों सर? पहली बार 26 जनवरी आजाद हिंदुस्तान में मैं तिरंगा लेकर जाऊंगी तो परमिशन लूंगी? नहीं नहीं, दो दो परमिशन लूंगी बीजेपी सरकार में लोग ये उम्मीद करते हैं। तो दुखद है, बीजेपी सरकार में लोग ये उम्मीद करते हैं, वो बैठे हुए थे और उन्होंने घात लगा के उस नौजवान। नहीं, मैं आपसे क्या कह रही हूँ, क्या बीजेपी सरकार में लोग ये उम्मीद करते हैं कि मैं आजाद हिंदुस्तान में तिरंगा लेकर चलूंगी तो मुझे पुलिस के साथ लेकर जाएंगे? नहीं, हमारे शासन काल की बात नहीं है, बात मैं ये कह रहा हूँ कि 26 जनवरी 15 अगस्त को जब से देश अलर्ट जारी था ना, पुलिस क्या कर रही थी? नहीं, पुलिस की जिम्मेदारी है ये, फिर क्या कर रही थी पुलिस? को ये जिम्मेदारी जिसने नहीं निभाई, वही मैं कह रहा हूँ की आप क्या कार्रवाई की? आपने कार्रवाई की, क्या कार्रवाई की? क्यों नहीं की गई बताइए ना, क्या कार्रवाई की? वहाँ के एसएसपी को दंगा कासगंज में हुआ, आपने वहाँ के, नहीं क्यों दंगा कासगंज में हुआ, आपने मेरठ भेज दिया, और किसको हटाया जाएगा वहाँ के इंस्पेक्टर? और उनको हटाया गया? नहीं नहीं, उन्हीं के वहीं पे हटाया गया। हटाने से क्या होगा? उसके अलावा एक एसआईटी जांच गठित की गई और मैं बिल्कुल सुधरी है। कैसे? जब सुधरी है तभी तो ये बात आई, वरना स्थिति, मैं फिर कह रहा हूँ कि मुजफ्फरनगर हो जाता, मेरठ हो जाता तो आप रोक लेती क्या? नहीं नहीं, मत बोलिए, आपने एहसान कर दिया है, ये आपने एहसान कर दिया है, आपका मतलब कि बहुत बड़ा एहसान कर दिया, एक जिसने अपराधियों को जेल में सजा जुड़े। नहीं नहीं, आपने बहुत एहसान कर दिया, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। एहसान की कमी नहीं है, मेरी जिम्मेदारी है। एसोसिएट एडिटर मानस जी मेरे साथ जुड़े हैं। मानस जी, जैसा कि आपने सुना अभी नरेंद्र जी ने कहा कि अगर मुजफ्फरनगर हो जाता तो क्या आप लोग रोक लेते? यानी ये बहुत बड़ा एहसान किया गया कि सिर्फ एक शख्स की हत्या के बाद माहौल को सही कर दिया, ये बहुत बड़ी एक उम्मीद, एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है बीजेपी सरकार। बिल्कुल बड़ी कामयाबी होती है। नहीं देखिए, देखिए राणा जी बहुत सीनियर है, इनका जवाब मेरे समझ में नहीं आया। हम उनसे अब वो कह रहे हैं, अब बड़ा हमको 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 बड़ा ताज्जुब हो रहा है, लेकिन हमको याद है कि मुजफ्फरनगर में छोटी सी चिंगारी थी जो भड़कते हुए प्रशासनिक लापरवाही थी, एक सत्ता की चूक का परिणाम थी, और जिसकी वजह से वो आग इतनी जबरदस्त थी। अपराधी छोड़े गए थे, पुलिस ने पकड़ लिया था, और आपने ही चैनल्स पे चलाया था कि यहाँ से आजम खान साहब फोन करके कहते हैं कि इनको छोड़ दीजिए, तब जाके ये दंगे भड़के थे। ये चैनल्स पे, नेशनल चैनल्स पे चला था। राणा जी, आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन मेरा मैंने जो देखा वो मैं बता, नहीं मेरा जो सवाल है, देखिए हम कोई पॉलिटिकल लोग नहीं है, हम तो पत्रकार लोग, अपनी बात कह सकते हैं। देखिए मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर आपकी सरकार आई, जिस लॉ एंड ऑर्डर से त्रस्त होकर के समाजवादी की सरकार को नकारा गया, आज आपकी सरकार और पूरे प्रदेश में जो स्थिति खराब हो रही है, तो क्या आपको नहीं लगता कि बीजेपी की कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बदनामी हो रही है? क्या आपको नहीं लग रहा है कि जिस बात को आप कहते थे कि हमारे शासनकाल में एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ, उसकी ये शुरुआत हो गई?
क्या इस बात की इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए कि आखिर उत्तर प्रदेश में कौन कौन से वो इलाके हैं जहां पर इस तरीके के मॉड्यूल्स पनप रहे हैं जो देश विरोधी हरकतें करने के लिए हर वक्त तत्पर रहते हैं? क्या मेरा सिर्फ इतना सा सवाल है राणा जी, इस घटना के बाद उस इलाके में तलाशी होती है, घर तोड़े जाते हैं, चार दिन बाद तीन दिन बाद वहां से हथियार और विस्फोटक निकल रहा है, ये क्या प्रशासन का फेल्योर नहीं है कि उन्होंने पहले से उनको इतनी भी सूचना नहीं थी? आपका लोकल इंटेलिजेंस कहाँ चला गया? आपके खुफिया तंत्र आपका कहाँ चला गया? आपका आपका पुलिस का सिस्टम कहाँ चला गया? पहले से हथियार मौजूद है, पहले से विस्फोटक मौजूद है, बम मौजूद है वहां पर, इसका मतलब तैयारी पहले से थी। ये कोई घटना ऐसा नहीं अकस्मात हो गई, जिस तरीके का माहौल, जिस तरीके की चीजें बरामद हो रही, यानी बिल्कुल साफ है कि तैयारी पहले से थी। राणा जी, ये तो बहुत बड़ा सवाल सरकार पे खड़ा हो रहा है, सरकार के पुलिसिंग में सवाल खड़ा हो रहा है, सरकार के सिस्टम पे सवाल खड़ा हो रहा है। अगर वही था तो समाजवादी पार्टी क्या बुरी थी? लोगों ने इसलिए हटाया ना क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर से लोग त्रस्त हो चुके थे। कुछ बेहतर देंगे उनको, आप कुछ बेहतर करेंगे? आपने वादा किया था, आप कर नहीं पा रहे हैं। आप स्वीकार कर लीजिए इस बात को कि आप नहीं कर पा रहे हैं। नहीं नहीं, देखिए मानस जी, मैंने आपसे कहा कि पूरी तरह नियंत्रण में नहीं है, लेकिन जहां नियंत्रण में है वहां की बात मैंने की। जहां ये घटना हो जाती है सरकार के ऊपर, ये जरूर प्रश्न चिन्ह लगता है कि हमारी पुलिसिंग सरकार की मंशा पर कोई सवाल चिन्ह प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। सरकार ने संबंधित किसी भी, चाहे वो डीजीपी हो, चाहे गृह सचिव हो, चाहे वहाँ का कप्तान हो या वहाँ के थानेदार, किसी को भी ये कहकर सरकार ने पोस्टिंग नहीं दी थी कि आप अपने क्षेत्र में अपना इंटेलिजेंस फेल्योर दिखाएंगे, लेकिन ये चीज सामने आई। अगर जब हमने जा रहा है तो कार्रवाई करेगी ना सरकार, हटाएगी ना उनको? बिल्कुल कार्रवाई करेगी ना, बता रहा हूँ। आप पता नहीं क्यों अपने अफसरों को बचाने लगे? नहीं नहीं, मैं क्यों बचाऊंगा किसी अफसर को? हमारे अपने नहीं होते, जो काम करेगा वो हमारा है, जो काम नहीं करेगा आप इस बात को उससे हमारा कोई लेना देना नहीं, वो चाहे कोई भी है। राणा जी, क्या आपको नहीं लगता है कि मुख्यमंत्री को 5 दिन बाद कम से कम एक शोक संदेश जारी करना चाहिए था चंदन के लिए? कल मीडिया के लोगों ने सवाल पूछा, वो सवाल भी उन्होंने नहीं लिया, पूरा उठ पलट के चले गए। क्या आपको नहीं लगता कि मुख्यमंत्री को ऐसा करना चाहिए, एक शोक संदेश जारी करना चाहिए कि नहीं चंदन की मौत होगी, हम बहुत दुखी हैं, नहीं करना चाहिए था? चलिए लौटूंगी। फिलहाल यहाँ वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन लगातार हम ये जानने की कोशिश करेंगे, आजाद हिंदुस्तान में हम रहते हैं, देश के अंदर ये कैसा माहौल बन रहा है, आने वाली पीढ़ियों को हम कैसा माहौल दे रहे हैं, और आखिर सबसे बड़ा सवाल ये कि वो तिरंगा जो हमें एकता का संदेश देता है उस पर सियासत क्यों हो रही है? छोटा सा ब्रेक, फॉर अ लॉट। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये कासगंज की हैं। बड़ा दुर्भाग्य लगता है जब ये देखने को मिलता है कि तिरंगे के नाम पर सियासत हो रही है। वो तिरंगा जो हमें एकता का संदेश देता है, हमें गर्व की अनुभूति कराता है, और उसी तिरंगे पर मारकाट की नौबत आ रही है, उसी तिरंगे के लिए सियासत हो रही है। आखिर क्या वजह है? क्या कोई और मुद्दा नहीं रहा? इतनी गिरी हुई राजनीति हमारे देश में, हमारे प्रदेश में आखिर क्यों होने लगी? इसके पीछे क्या वजह है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तमाम खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, चर्चा लगातार जारी है। मैं आपके पास आना चाहूंगी नरेंद्र जी, और मेरा आपसे सिर्फ यही सवाल रहेगा कि आखिर ऐसी कौन सी नौबत आ गई जो अब तिरंगे पर सियासत शुरू हो गई है? देखिए, जब विपक्ष मुद्दा विहीन हो जाता है, हम कहते हैं कि आप आइए बेरोजगारी पे आइए, बड़ी समस्या है और हमेशा रहेगी। आप कभी किसानों पे आइए तो आप जो है फर्जी कोल्ड स्टोर से आलू लेके आएंगे तो सड़कों पे डाल देंगे। पुलिस ने समाजवादी पार्टी के लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, समाजवादी पार्टी के नेताओं के ऊपर। ये इस तरह की हरकत वहाँ पर कासगंज में आलू को बीच में ला रहे हैं, मैं राष्ट्र की बात कर रही हूँ, आप आलू को बीच में ला रहे हैं। बीजेपी नरेंद्र जी है, नरेंद्र जी समाजवादी पार्टी और इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। किसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे आप? जो लोग भी प्रोटेक्शन दे रहे हैं, कौन दे? जो अपराधियों को दे रहे हैं, सरकार दे रहे हैं। आपकी सरकार दे रही है ना? मुझे चार दिन हो गए, रुकिए, चार दिन हो गए, कार्रवाई चार दिन में मुख्य आरोपी आपकी गवर्नमेंट नहीं गिरफ्तार करा पाई, आपका प्रशासन गिरफ्तार नहीं कर पा रहा, क्या कर रहे हैं? 24 लोग
परसों तक गिरफ्तार हुए नामजद गिरफ्तारी की आपने, और 126 लोग जिन्होंने दंगा भड़काया वो गिरफ्तार हुए। जिसने गिरफ्तार नहीं हुए क्या? जिसने गोली मारी गिरफ्तारी की आपने, बिल्कुल उसको ले जो है 124 लोगों में क्या? जो लोग उसमें सामने आ रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे देखे जा रहे हैं, आपका प्रशासनिक अमला कह रहा है कि सब कुछ गिरफ्तार किया गया और बाकी लोगों के खिलाफ भी लंबे आपका प्रशासनिक अमला कह रहा है कि सब कुछ हथियार बरामद हुए हैं। चंदगहड़ से लगातार जो भी अपडेट आएगा इससे जुड़ा पल पल अपडेट भारत समाचार आपको देगा, लेकिन फिलहाल हम लगातार इस बात की जिक्र यहां पर इस बात का कर रहे हैं, इस बात की तफ्तीश कर रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि हमारे आजाद हिंदुस्तान में राष्ट्र के नाम पर, तिरंगे के नाम पर सियासत क्यों हो रही है। आखिर हम कैसा माहौल बना रहे हैं हिंदुस्तान में, वो हिंदुस्तान जो दुनिया के लिए एक मिसाल बनता है उसी हिंदुस्तान में ये तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि उन गद्दारों की अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, देशद्रोहियों को अब तक क्यों नहीं पकड़ा गया, आखिर क्या वजह है, कौन इसके पीछे फेलोर साबित हो रहा है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मानस श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं, एसोसिएट एडिटर हैं। मानस जी, मैं लगातार आपसे ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि आपने भी देखा होगा अब तक सरकार का ये एक अहम पहलू रहता था कि एक साल होने जा रहा है लेकिन हमने यूपी को दंगा मुक्त कर दिया, एक साल पहले होने से ही पहले ये आपने देखा कासगंज की तस्वीर, और जिस पर पूरी तरीके से कासगंज का प्रशासन फेलियर साबित हुआ, बावजूद इसके कोई पनिशमेंट नहीं दिया गया, क्या वजह है, और चार दिन तक मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी ना होना, इसके पीछे किसका फेलियर देख रहे हैं आप? देखिए, जो भी सरकार चाहे किसी की भी हो उसका रसूख काम करता है, सरकार का एक बाल काम करता है। हमने एक जमाने में कल्याण सिंह को भी हुकूमत करते देखा और देखा कि किस तरीके से अपराधी इस प्रदेश से पलायन कर गए थे। जब उन्होंने एसटीएफ का गठन किया तो उस वक्त पूर्वांचल के बहुत सारे गैंग थे वो यहाँ उत्तर प्रदेश में कोहराम मचाए हुए थे, हर रोज गैंग वॉर होती थी, हम लोग कई बार गैंग वॉर कवर करते करते खुद बड़े विचलित हो जाया करते थे। तो वो भी दौर देखा, उसके बाद देखा कि कल्याण सिंह की सरकार में किस तरीके से इनका सफाया हुआ। दूसरा शासनकाल हमने देखा, मायावती का भी देखा, जिसमें देखा कि जब अयोध्या का ऐतिहासिक फैसला आया और पूरे प्रदेश में कहीं भी कर्फ्यू लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, अघोषित कर्फ्यू का माहौल था और कहीं भी एक पत्थर तक नहीं चला, ये प्रशासन का सरकार का इकबाल था। उसके बाद हमने समाजवादी पार्टी की सरकार में भी देखा, जिसमें मुजफ्फरनगर से दंगे हुए, तमाम अराजकता फैली रही, और अब हम लगातार इसको बीजेपी में भी देख रहे हैं, क्योंकि ये उम्मीद की जा रही थी कि शायद कल्याण सिंह जैसी सरकार यहाँ पर उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मिलेगी और उत्तर प्रदेश में हालात ठीक होंगे, और यही एक उम्मीद थी, इसी को लेकर के ही जनता ने वोट दिया और ये कहा गया था कि उत्तर प्रदेश में जो भी अराजकता फैली हुई है उसको ख़त्म किया जाएगा और एक स्वच्छ प्रशासन दिया जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक होगी। लेकिन अब हालात धीरे धीरे देखने को ऐसे मिल रहे हैं कि हालात लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं। जनता खामोश रही, पहले काफ़ी समय तक ये सोचती रही कि शायद नई सरकार है, कुछ हालात बदल जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि जब मेरठ जैसी घटनाएं हम लोग देखते हैं तो दिल दहल जाता है, ऐसा लगता है कि हम लोग कहां पर चले आए, हम ये नहीं समझ पाते कि एनकाउंटर किसका किया जा रहा है, पुलिस बदमाशों का एनकाउंटर कर रही है, बदमाश आम जनता का एनकाउंटर कर रहे हैं, समझ में नहीं आता है किस तरीके से उत्तर प्रदेश चल रहा है। अब ये सांप्रदायिक उन्माद जैसी बात आ गई, लेकिन यहाँ पर हम लक्ष्मी एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि हम लोग बहस जरूर करें लेकिन हम लोग कहीं उसका जो मूल आत्मा है उससे भटक रहे हैं। सवाल इस बात का भी है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अलग है, क्या बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अपराध करते हैं लेकिन वो देशद्रोही हरकतों में लिप्त नहीं रहते हैं, आप इस बात को समझिए। लेकिन ये तो देशद्रोही हैं सर, इनको नहीं कह सकते, ये जो एक मानसिकता पलट, ये गद्दार हैं, ये जो मानसिकता हिंदुस्तान में रहने लायक नहीं है, कि जिस देश का इतिहास इतना शानदार रहा हो कि यहाँ पर कांग्रेस से पहले दाग लगा रहे हैं ये लोग हमारे इतिहास में। लक्ष्मी जी, बड़ी गौर करने वाली बात है, कांग्रेस से पहले इस देश में अगर आजादी का आंदोलन किसी ने चलाया तो जमीयत उलमा हिंद ने चलाया। इस देश में बहादुर शाह जफर तक का एक बड़ा शानदार इतिहास रहा कि कैसे मुस्लिम लीडरों ने इस देश के लिए कुर्बानी दी, अपनी जानें गंवा दी और आज तक देते आए हैं। उसी देश में एक ऐसा तबका भी पनप रहा है जो तिरंगा यात्रा निकालने पर गोली मार रहा है, हत्या कर रहा है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो किसी पॉकेट में किसी एक इलाके में रहते हैं और कहीं हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच होता है तो वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, इस देश में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने लगे। तो ये स्थिति धीरे धीरे कैसे पनप रही है और इसमें क्या
सिस्टम किस तरीके का होना चाहिए इस पे हमको विचार करने की जरूरत है। चिन्हित करना चाहिए सर। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि सरकारों को अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा, चाहे वो सरकार चाहे बीजेपी की हो, सपा की हो, कांग्रेस की हो, देश में किसी की भी सरकार हो, बिल्कुल क्या हमको ऐसे लोगों के साथ लिबरल होना चाहिए या ऐसे लोगों के साथ हमको सख्ती से निपटना चाहिए, दोनों ही चीजें। क्योंकि जब हम कल खबर देख रहे थे कि कश्मीर का एक जो जो पत्थरबाज था जो जिसने जैश मोहम्मद को ज्वाइन कर रखा था वो सब कुछ छोड़ करके वापस आ गया, वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था, उसने माफी मांगी और कल उसकी रिपोर्ट हम लोग देख रहे थे कि वो कह रहा था कि बहुत बड़ी गलती होगी हमसे, हम वापस आकर देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो अगर भटके हुए कोई नौजवान है तो उनको वापस कैसे लाया जाए? क्यों राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का कुछ इस तरीके का घालमेल पैदा कर दिया गया है इस देश में कि समझ ये माना जा रहा है कि जो हिंदू है वही राष्ट्रवादी है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं सिस्टम में कुछ गड़बड़ ऐसा हो रहा है जिसको सभी दलों को मिल बैठ करके आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, उसमें सुधार करने की जरूरत है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। बिल्कुल शैलेंद्र तिवारी जी, मैं ये भी जानना चाहूंगी, आज भी विश्व हिंदू परिषद की ओर से एक रैली निकाली गई, कई जगह उसमें देखने को मिला शाहजहांपुर में, फिरोजाबाद में, आगरा में भी, कि उसको रोका गया, उसमें मारपीट हुई, उसमें पथराव हुआ। इस पूरी रैली को आप कैसे देख रहे हैं? क्या वाकई ये राष्ट्रभक्ति का जुनून है या इसके पीछे कोई अन्य वजह है? देखिए इसका बहुत अच्छा विवरण हमारे माना जी ने किया, बहुत मतलब बहुत सुंदर बात कही, आज के परिवेश में ये बात बहुत माकूल बात थी। मेरे पास एक वीडियो है, मैं अभी आपको इस चैनल के बाद दिखाऊंगा, क्योंकि उसमें गालियां काफ़ी हैं, उसमें लोग भगवा डाल करके गाली बक रहे हैं। मैं नहीं कहता कि वो योगी के समर्थक हैं या सरकार के समर्थक हैं, मैं किसी के समर्थक नहीं हो सकता। मैं एक बात कहता हूं कि वो लोग समाज को विध्वंस करने के समर्थक हैं पूरी तरह से, वो पुलिस को टारगेट करके बाकायदा इस तरह कर रहे हैं और पुलिस को चैलेंज सामने कर रहे हैं। तो जब वो पुलिस को चैलेंज कर सकते हैं तो कैसे ना मान लिया जाए कि वो हमारे समाज को कहीं भी किसी भी जगह ध्वस्त करने का काम कर रहे हैं, चाहे वो कोई हो सकता है भगवे में कोई मुस्लिम भी हो सकता है कि मुस्लिम किसी स्थिति में कोई हिंदू भी हो, कोई भी किसी भी जात धर्म संप्रदाय का हो सकता है। लेकिन ये जो तरीका है उन पर ना कार्रवाई होना, ये आपने जो भी एक वर्ड कहा कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके बिल्कुल ऐसी सजा देनी चाहिए कि दोबारा कोई व्यक्ति दोबारा ऐसा इस तरह ऐसा करने कोई के लिए सोचे भी ना पनपे ना हमारे समाज में। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज इन बातों पर सियासत हो रही है। हम यहाँ बैठ करके 19 की बात कर रहे हैं, बहुत से लोग इस बात को कह रहे हैं कि ये सियासी जो है दंगा है, मैं भी कह रहा हूँ, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हम 10 साल के भारत को, आगे के भारत को देखना चाहते हैं, कोई 20 साल आगे का भारत देखना चाहता है, कोई 100 साल का भारत बनाना चाहता है। अगर आप सब अच्छे भारत की बात कर रहे हैं या सरकार अच्छे भारत की बात कर रही है तो ये कौन सा भारत है, ये माहौल कहां से कौन से लोग हैं, ये कौन से लोग हैं जिनको चिन्हित नहीं कर पा रही है। बिल्कुल। दूसरी चीज, आपने एक यात्रा निकालने की बात कही, यात्रा कोई भी निकाले, किसी भी धर्म की निकाले, किसी भी संप्रदाय की निकाले, लेकिन एक पुलिस को सूचना जाती है इसलिए कि आपस के लोग ही ना झगड़ा कर लें। क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि आप जब कभी कहीं किसी स्कूल से निकले बाहर, आप गए दूसरे स्कूल, लोग झगड़ा कर लिए तो वो हिंदू मुस्लिम नहीं करते। आज तो पुलिस साथ में थी, आज तो पुलिस साथ में ही शाहजहांपुर में पुलिस साथ चल रही थी, फिर भी मारपीट हुई, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? हाँ, उसके लिए पुलिस आगे चल रही थी। नरेंद्र जी मैं आपको बता रही हूँ, पुलिस आगे चल रही थी, उसके लिए शाहजहांपुर की तस्वीर ये निकल कर सामने आई है कि पुलिस चल रही थी फिर भी एक समुदाय विशेष ने उन पर हमला किया। इस तरह के कौन है ये लोग, अराजकता क्यों इनको चिन्हित नहीं किया जा रहा? उन लोगों को चिन्हित करके, मैंने आपने जो बात कही उसी को मैं जो है बढ़ा रहा हूँ, ऐसे लोगों को चिन्हित करके वो सजा दी जाए जो धरती पे किसी ने देखी ना हो, दोबारा वो अपने आप हिम्मत नहीं करेंगे। बिल्कुल नरेंद्र जी, ये तस्वीर तो हमने कासगंज की देख ली, लेकिन आगे ऐसी तस्वीरें कहीं फिर निकल कर ना आए, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल वाजिब सवाल है और उत्तर प्रदेश भी यही चाहता है, देश भी यही चाहता कि आगे कोई इस प्रकार से फिर घटना ना हो। इसको लेकर सरकार लगातार बैठकें करके मॉनिटरिंग करके कि ये फेलियर किसका है। मैंने आपसे शुरू में ही कहा प्रशासन का फेलियर है सर, आप मान लीजिए। हाँ बिल्कुल, आप मान लीजिए, यही मैं कह, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि जो प्रशासन, मानस जी ने भी कहा कि वहां पर पहले से अपराधी मौजूद है, पहले से हथियार मौजूद है, यदि वो जांच में बाद में सामने आते हैं तो ये पुलिस का फेलियर है। तो इसको और इसके खिलाफ मैं बता रहा हूँ आपको कि जहां जहां सरकार ने ये इस तरह की घटनाएं हुई, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई, वहां पर सरकार की ओर से कहा गया कि आप कड़ी कार्रवाई कीजिए, सरकार आपके साथ है, और जिन्होंने किया वो मुजफ्फरनगर हो, वो जो है श्यामली हो,
वहाँ के वहाँ प्रोत्साहित किया गया और जहाँ जिन अधिकारियों ने इसमें चूक की है, जिसका खामियाजा पूरे प्रदेश को देश को भुगतना पड़ता है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई और उनको अब मेरी बात सुन लीजिए। आप नरेंद्र जी, मैं बताती हूँ, शरद जी लौटूंगी आपके पास, मुझे आप बताइए 5 मिनट के अंदर इतने हथियार, इतने ईंट पत्थर कहां से वहां पर आ गए? क्या इस बात की जानकारी खाकी को क्यों नहीं हुई, एसपी को क्यों नहीं हुई, जिलाधिकारी को क्यों नहीं हुई? क्राइम मीटिंग लेने जा रहे हैं साहब, उस दिन उनको खुद नहीं पता था कि मौकाई वारदात से क्या बरामद हुआ है। आप कह रहे हैं कि यहाँ पर मैडम बहुत अच्छा वहां का प्रशासन काम कर रहा है, कैसा प्रशासन? देखिए, दो चीजें मैंने आपसे कही, घटना के बाद जहाँ फायरिंग हुई उस घर से 3 दिन बाद लोडिंग हथियार बरामद हुआ है सर, आप जो है लोडिंग हथियार बरामद हुआ है, हुआ है बिल्कुल, और आप कह रहे हैं कि सब अचानक हुआ था, कैसे अचानक हुआ था? वो प्रशासन ने किया, हाँ, लेकिन वो पहले कहाँ चली गई? पहले कर ले, पहले कहाँ था? तो ये स्थिति सामने नहीं आती। राणा जी, आपने क्या पूरे प्रदेश के प्रशासन के खिलाफ क्या कार्रवाई की? जवाब मैं बता रहा हूँ, ये पूरी तरह से काम नहीं करके गैर जिम्मेदाराना रवैया था, क्योंकि उसने क्योंकि उनको जेल क्यों रहे जरूरत है, आपने माना गैर जिम्मेदाराना रवैया था, फिर उनको जेल की मजबूरी क्या? बिल्कुल डाला जा रहा है, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, उनके खिलाफ एसआईटी की। आप मुझे बताइए, कासगंज के डीएमएसपी के खिलाफ आपने कौन सा मुकदमा दर्ज किया है? डीएमएसपी की भी जांच हो रही है क्या? और आपने ये कौन सा मुकदमा दर्ज किया है? ये देखिए, एसआईटी की जांच है, जांच में निकल के आएगा, और जो भी ये तो मान के कोई जांच नहीं हो रही है सरकार, अरे बिल्कुल हो रही है, गलत बात है, एसआईटी की जांच है, वो एसपी क्राइम कर रहा है, एसपी क्राइम कर रहा है, ये कौन सी जांच चल रही है देश के अंदर? बड़े पत्रकार हैं, उनके ट्विटर पे लोग गालियां बक रहे हैं, उनको कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, और आला आला कमान फोन उठा रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं? आप भी जानते हैं, और इस देश का मुख्यमंत्री भी हुआ हुआ लगभग उत्तर प्रदेश के सभी लोग जानते हैं, और उनको उनको ये कहा कि आपकी लड़की को अगवा कर लिया जाएगा, इस तरह की बातें कही जा रही है। कुछ किसी नहीं, आप देखिए, मैं अभी आपको देख सकता हूँ, मेरा सवाल सिर्फ ये है कि आपने कासगंज से प्रशासन के खिलाफ क्या कार्रवाई की? आपके लोग ट्वीट न करें, आए और डीएमएसपी उनको सुरक्षा ना दे तो हम जिम्मेदार हैं। कौन से डीएमएसपी की बात कर रहे हैं आप? कोई ये थोड़ी कि आप बैठे अपने घर में डरे हुए हैं, अरे बताइए आपको क्या दिक्कत है, कौन आपको रोक रहा है और कौन अखबार को? छोटा सा ब्रेक, फॉर अ लॉट।